पंजाब हुकूमत का मुस्तहकीन को रमजान निगहबान पैकेज घर की दहलीज पर पहुंचाने का फैसला। रमजान निगहबान पैकेज नौमाद से शुरू करने पर गौर। मुफ्त गिफ्ट हैम्पर की कीमत 3,630 रुपए होगी। 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन, 2 किलो घी और 2 किलो चावल पैकेज का हिस्सा। राशन पैकेज देने के लिए इब्तदाई तौर पर 9 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। रमजान पैकेज मुस्तहिक लोगों में तकसीम किया जाएगा। हमारे खिलाफ जिन्होंने वोट दिया उनको भी रमजान पैकेज जाना चाहिए। मेरी टीम में जो काम करेगा वही रहेगा, नाहिल सुस्त की गुंजाइश नहीं। हर गली, हर मोहल्ले, हर सड़क की इंस्पेक्शन करूंगी। सफाई पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का रमजान पैकेज के हवाले से इजलास से खताब। शहरियों से कूड़ा टैक्स लेने का प्लान। फी घर से कूड़ा टैक्स वसूली की सिफारिशात हुकूमत को पेश। LWMC की जानिब से पंजाब हुकूमत को तजवीज़ पेश की गई। फी घर माहाना 250 से 2,000 रुपए तक टैक्स आयद करने की तजवीज़। कमर्शियल के लिए 500 से 10,000 रुपए तक माहाना टैक्स आयद करने की सिफारिश पेश की गई। पंजाब भर में तकरर और तबादलों पर पाबंदी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तमाम तकरर और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। वजीर आला ऑफिस की जानिब से तमाम अफसरान को मरासला जारी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मंजूरी के बाद ही कोई तबादला हो सकेगा। सेशन अदालतों की तकसीम का मामला। लाहौर हाईकोर्ट की वकला तंजीमों से नोटिफिकेशन वापसी से मुतल्लिक गुफ्तगू की तरदीद। वकला तंजीमों से किसी किस्म के मामला तय नहीं पाए गए। ज़राए लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक अदालतों की तकसीम से मुतलिक नोटिफिकेशन वापसी से मुतलिक नामजद चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान से कोई बात नहीं हुई। वकला तंजीमों का पीर को आर्जी तौर पर हड़ताल खत्म करने का ऐलान। जाति सर्दी को ब्रेक लग गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। गड़ी शाहू, गुलबर्ग, वॉल्टन, मुस्लिम टाउन, मारोद समेत दीगर इतराफ में तेज बारिश। 1 से 3 मार्च तक पंजाब भर में तूफानी बारिशों का इम्कान। PDMA की जानिब से तमाम जिला की इंतजामिया को अलर्ट जारी। 30 दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी बार इजाफा। निगरान हुकूमत जाते जाते एक और पेट्रोल बम गिरा गई। पेट्रोल 4 रुपए 13 पैसे महंगा, नई कीमत 259 रुपए 75 पैसे फी लीटर हो गए। मिट्टी का तेल 1 रुपया 44 पैसे फी लीटर महंगा। फी लीटर कीमत 190 रुपए 1 पैसा हो गई। डीजल की कीमत 287 रुपए 33 पैसे पर बरकरार। आजाद बुरे नहीं होते और पेट्रोल इतना बढ़ जा रहा तो इससे और चीज़ें भी बढ़ेंगी, तो ये तो बहुत प्रॉब्लम है। आम जो एक मतवस्त तबका है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मसला है। भाईजान जुलम है, पहले ही इतनी महंगाई में पिसरी आवाम और बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो रही है। खाने को घर में आटा, चीनी, दालें, घर का राशन नहीं पूरा हो रहा। जब तक ये हुकूमत रहेगी ना तो ऐसे ही हालात होगा। बदतर से बदतर दिन आएंगे और बदतर से बदतर हालात होगा। अल्लाह करे कोई ऐसा हुक्मरान आ जाए जो मुल्क और आवाम के लिए बेहतर हो। जुल्म है, बर्बरियत है, अवाम दुश्मन फैसले हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर शहरी आग बगोला। रिलीफ किस चिड़िया का नाम है याद ही नहीं रहा। जो हुकूमत आती है अवाम को ही कड़वी गोली देती है। पहले 1 माह बाद कीमतों में कमी पेशी की जाती थी, अब 15 रोज बाद ही पेट्रोल बम गिरा दिया जाता है। महंगाई, बिजली और गैस के बिलों ने पहले ही होश नहीं आने दी। रही सही कसर पेट्रोल की कीमतों ने निकाल दी है। बिजली की बचत करने के इदारों की नाअहली सामने आ गई। शाहराहों पर लगी सरकारी तनसीबात को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करना ख्वाब बन गया। फंड्स मुख्तस करने के बावजूद इस मंसूबे पर पेशरफ्त ना हो सकी। टीपा ने सोलर पर मुंतकिल करने से मुतालिक स्टडी मुकम्मल कर ली। पंजाब असम्बली में रवामा 12 सेनेटर्स का इंतखाब होगा। 7 जनरल नशिस्तों पर 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट और 1 अकलियती नशिस्त पर मेंबर मुंतखब किया जाएगा। 8 मार्च को पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 11 सेनेटर मुद्दत पूरी करेंगे। मुस्लिम लीग नून के जनरल नशिस्तों पर हिमायत याफ्ता 4 सेनेटर रिटायर हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ के डॉक्टर शहजाद वसीम और वलीद इकबाल शामिल।
पंजाब भर में मुख्तलिफ शाहराहों की मरम्मतों बहाली सुस्त रवि का शिकार। हुकूमत बदलते ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी सुस्त पड़ गईं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दो डेडलाइन गुजरने के बावजूद सड़कों की मरम्मत का काम मुकम्मल ना कर सकी। लाहौर के 95 शाहराहों की मरम्मत और बहाली का काम 95% मुकम्मल किया गया। शहरियों को फिल्ट्रेशन प्लांट्स के जरिए साफ पानी की फराहमी का मामला। फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बंदिश और नकाइस की वजह से वासा इंतजामिया बन गई। फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मरम्मत और बहाली के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को अदायगियां ना करने का इंकशाफ। साबिक दौर हुकूमत में फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मद में करोड़ों रुपए की अदायगियां ना की गईं। गुज़िश्ता 2 सालों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बंदिश में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। लाहौर को तजावुजात से पाक करने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तजावुजात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का हुक्म। तजावुजात खत्म करने के लिए इंतजामिया को 1 माह की मोहलत। वज़ीर आला की ट्रैफिक की रवानी बेहतर और शहरियों की आसानी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। मस्तनद डेटाबेस हब और डेटाबेस अथॉरिटी के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर गौर। पॉपुलेशन डेटा की तश्कील के लिए कलीलमुद्दती और तवीलमुद्दती तरीक़ेकार पर भी गुफ्तगु। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब की आबादी का मरबूत और मस्तनद डेटा मुरतब करने का हुक्म। मरियम औरंगजेब की सरबराही में 13 रुकनी टेक्निकल वर्किंग ग्रुप कायम। पंजाब हुकूमत ने PHA को अर्बन फॉरेस्ट लगाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। स्मोक के तदारुक और माहौलियाती आलूगी पर काबू पाने के लिए मरियम नवाज का पहला हुक्म। 3 साल बाद PHA ने दोबारा मियावाकी जंगल लगाने का मंसूबा बना लिया। 9,59,38,000 रुपए की लागत से मियावाकी जंगल लगाने का प्लान बनाया गया। महकमे लोकल गवर्नमेंट की जानिब से साफ सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज हो गया। तमाम मकामी हुकूमतों और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज को मरासिला जारी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 1 महीने में पंजाब को साफ सुथरा बनाया जाएगा। साफ सुथरा पंजाब मुहिम 1 मार्च से 31 मार्च तक जारी रहेगी। बानी PTI की अबूरी जमानतों में अहम पेशरफ। स्पेशल प्रोसिक्यूटर राना शकील ने बानी PTI को 9 मई के मुकदमे का मरकजी मुलजिम करार दे दिया। क्या बानी PTI ने अवाम को इदारों के खिलाफ हमला करने का कोई ट्वीट किया? अदालत का इस्तफसार। बानी PTI ने अवाम को सड़कों पर निकलने के लिए उकसाया। बानी PTI ने तमाम रहनुमाओं को फौजी तनसीबात जलाने का भी कहा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर के दलाए। हाईकोर्ट का कम उम्र बच्चियों की शादियों से मुतालिक कानून पर अमल दरामद का हुक्म। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह की सरबराही में आला सतह कमेटी कायम। कमेटी में IG पंजाब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शिरकत को यकीनी बनाएं। चेयरमैन यूनियन काउंसिल फौरी तौर पर कम उम्र बच्चियों का निकाह कैंसिल करेगा। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने रमजाना बीबी की दरख्वास्त पर अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। लेस्को की जानिब से सार्फीन पर बिजली गिराने का सिलसिला जारी। कोई नोटिस नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बिल दो वरना कनेक्शन मुनकता। करंट बिल अदा ना करने पर बगैर नोटिस कनेक्शन काटने का सिलसिला शुरू। डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और जरई बिलों के एकसाथ का रिलीफ भी खत्म कर दिया गया। महकमे स्कूल एजुकेशन के डिवीजन डायरेक्टर्स की मौजें खत्म। हायर सेकेंडरी स्कूलों की जिम्मेदारी डिवीजन डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स को दे दी गई। डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर अरसा दराज से फारिग थे। मस्कूरा डायरेक्टर स्कूलों में तुलबा की तादाद को बढ़ाएंगे। महंगाई का सिलसिला थम ना सका। सब्जियां और फल मजीद महंगे। लहसुन 680, अदरक 620, सब्ज मिर्च 300, प्याज 220 रुपए फी किलो तक फरोख। करेले 480, शिमला मिर्च 300, अरवी 200, मटर 110 रुपए किलो बिकने लगे। केला दर्जावल 250, दर्जा दोम 160 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब। अनार बदाना 980, खजूर ऐरानी 600, सेब 400, पपीता 300, अमरूद 190 रुपए फी किलो तक फरोख।
ब्रायलर बदस्तूर मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर, मुर्गी के गोश्त की कीमत 602 रुपए फी किलो बरकरार। जिंदा ब्रायलर होलसेल 400, परचून रेट 415 रुपए किलो मुकर्रर। अंडे 2 रुपए महंगे, कीमत 245 रुपए फी दर्जन हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 7230 रुपए में फरोख्त। और पीसीबी का मुल्क भर के बड़े स्टेडियम्स को अपग्रेड करने का फैसला। आइंदा वर्ष चैंपियंस ट्रॉफी से कबल लाहौर, कराची और पिंडी स्टेडियम को अपग्रेड किया जाएगा। शायकीन की गुंजाइश बढ़ाने के लिए कजाफी स्टेडियम को डबल स्टोरी करने का फैसला।